उत्तरकाशी जनपद में बारिश लगातार मुसीबत बन गई है, जिसके चलते उफान के चलते स्कूली बच्चों पर भी मार पड़ रही है। उत्तरकाशी में 3 दिन तक लगातार बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जिसके बाद हालात बदलते दिखे। बता दें, नोगा विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज में गोडोली जनपद में लगातार बारिश के चलते बच्चे फंस गए हैं। विद्यालय प्रबंधक बच्चों को बारिश रुकने के बाद घर भेजा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि बच्चों के द्वारा बरसाते नाले को पार करना मुश्किल हो गया। अध्यापकों ने बरसाते गोदरे के तेज बहाव के कारण अध्यापकों ने सभी स्कूली बच्चों को जैसे तैसे बचाया और उन्हें बाहर निकाला। बता दें, इस दौरान आप बीती बताते हुए कहा कि तेज बारिश होने लगी, नदी नाले उफान पर थे, ऐसे में कोई खतरा ना हो, जिसको लेकर बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता थी। हालांकि स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाली। मैं स्विम गिरला, क्लास 8 राजकीय इंटर कॉलेज गडोली। हुआ यूं था कल कि हम जब कमरे में थे तब अचानक से बारिश आ गई और बहुत बड़ी तूफान आ रहा था, उसके साथ हवा भी आ रही थी। हम अंदर कमरे में रह गए, कमरे में भी बहुत हवा आ रही थी। सर लोगों ने कहा कि आप अभी घर मत जाइए, नहीं तो किसी के साथ कुछ गलत हो सकता है। तो हाँ, जैसे ही आधा या एक घंटे बाद बारिश थोड़ा कम हुई तो हम आगे बढ़े। फिर सर लोगों ने हमें अपने साथ ले जाया और गदेरे में, खुद ये गदेरा यहाँ पे आता है, स्कूली के बगल में है, वहाँ से हमें जाने में बहुत दिक्कत होती है। सर लोगों ने हमें उस गदेरे से पार करवाया, अपने आप वहाँ भीगे और सारे कपड़े सर लोगों के गीले हो गए और हमें वहाँ से उस गदेरे से पार करवाया। मैं नेहा चौहान, राजकीय इंटर कॉलेज गडोली। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। यहाँ कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से हम 1 घंटे स्कूल में ही रुके और यहाँ पे बहुत नाले आए और सर लोगों ने खुद नाले में कूदकर सारे बच्चों को नाला पार करवाया। कल 20 जुलाई को इस क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई। हमने पहले ही अपने शिक्षकों को अधिक वर्षा के संबंध में दायित्व दिए हुए हैं कि जिस क्षेत्र में कोई दिक्कत हो, बच्चों के आने में कोई दिक्कत हो या किसी रास्ते में कोई समस्या है तो उसका समाधान करें। कल अतिवृष्टि के कारण सभी छात्र छात्राओं को हमने लगभग 1 घंटा रोक के रखा, उनके बैग भी विद्यालय में रखवाए ताकि वो सकुशल, जब बारिश हल्की हुई तो उनको विद्यालय से छुट्टी की गई ताकि वो सकुशल अपने घर पहुंच सके। हम राजकीय इंटर कॉलेज गडोली के समस्त अध्यापक अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी पालन करते हैं और छात्र हित में जो भी संभव होता है समस्त शिक्षक अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। छात्र हित में, विद्यालय हित में, क्षेत्र हित में जो भी हमसे बनता है हम करने को हमेशा आतुर रहते हैं। धन्यवाद।